दिल्ली किंग कपिल शर्मा एक बार फिर से आपको हंसाने की तैयारियां कर चुके हैं। जी हां, 10 सितंबर को उनका लाफ्टर शो एक बार फिर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शो में कुछ पुराने चेहरे के साथ साथ कुछ नए चेहरे भी नजर आने वाले हैं जो आपको खूब हंसाएंगे। वेल सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि शो के पहले एपिसोड में खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की एंट्री होने वाली है। आपको बता दें कि हाल ही में इस शो का प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया जिसमें एक एपिसोड में अक्षय कुमार और कपिल शर्मा की झलक दिखाई दे रही है। आप जानते ही होंगे कि अक्षय की नई मूवी कठपुतली बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई है। उनकी सम्राट पृथ्वीराज, बच्चन पांडे और रक्षाबंधन जैसी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कठपुतली इस साल अक्षय कुमार की 5वीं मूवी है। इस प्रोमो वीडियो के दौरान अक्षय कुमार कपिल शर्मा पर एक इल्जाम लगाते हुए दिखते हैं। अक्षय अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए आए थे और कपिल वही अपने मस्ती भरे अंदाज में मूवी की कास्ट से बात करते हुए कुछ सवाल जवाब भी करते हैं। वैसे ही कपिल ने अक्षय से उनकी मूवी से जुड़ा एक सवाल किया तो अक्षय ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि ये बंदा नजर लगाता है जिसकी वजह से मेरी मूवीज चल नहीं रही है। वेल, नजर का तो पता नहीं, मगर हम ये जरूर कह सकते हैं कि बॉयकॉट कल्चर ने बॉलीवुड की मूवीज पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है।